परमवीर जी, आपका स्वागत करते हुए आपको बताऊं कि हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि उनके जहन में क्या सवाल है। नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी, हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। परमवीर जी, हम सब जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स क्या कुछ स्कोप है, और इससे पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। हाँ जी जी, लाइक अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ये एक वास्ट फील्ड है, जबकि अगर ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग एक पार्ट है। ई कॉमर्स में हम लोग प्रोडक्ट्स को सेलिंग करना, ऑनलाइन प्रमोशन करना, इस पर काम करते हैं, बट कि डिजिटल मार्केटिंग में हम डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के अलावा किसी कंपनी का या किसी बिजनेस का या किसी इवेंट का ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं जी। तो हम लोग अगर नटशेल में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। जी जी, ऐसे में अगर हम देखें कि क्या कुछ स्कोप बनते हैं, कैसे इस फील्ड में एंट्री पाई जा सकती है, इससे पहले हम अपनी कॉलर से बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ वो जानना चाहते हैं। नमस्कार, अपना नाम बताइए, सवाल कीजिए। ये हम ये पूछा था, हम इतना इंटरमेंट इंटरव्यू वाला में कौन से किस लाइन में हमको जाना चाहिए इंटरव्यू वाला, इंटर के बाद कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए, परमवीर जी ये जानना चाह रहे हैं। कंटिन्यू कीजिए परमवीर जी, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग अगर आप इंटर के बाद में शुरू करना चाहते हैं तो एक्चुअली डायरेक्टली कोई भी इस तरीके के एंट्री लेवल नहीं है जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग में आप डायरेक्टली इंटर के बाद एंटर कर सके जी। लेकिन अगर सपोज आप कोई भी टेक्निकल फील्ड लाइक BCA या कोई मैनेजमेंट फील्ड लाइक MBA या BBA को चूज करते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो उसके बाद में आपको डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल कोर्सेज पर आपको एक्सपर्टाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एंटर कर पाएंगे जी। परमवीर जी, यहाँ पे एक और सवाल बनता है, हमारे बहुत से दर्शक रूरल बैकग्राउंड में होंगे, जो गांव में होंगे, वो किस तरह से इस फील्ड को देख सकते हैं अपने फ्यूचर की ओर, क्योंकि देखिए अगर बात करें शहरों की, शहरों में शायद पहले से नॉलेज है, इंटरनेट की फैसिलिटी भी है, हालांकि अब गांव की तरफ इंटरनेट बढ़ रहा है। अगर रूरल बैकग्राउंड से आए किसी स्टूडेंट को आप कैसे गाइड करोगे, सजेस्ट करोगे, अगर वो ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करता है अपने फ्यूचर के लिए। यदि रूरल बैकग्राउंड से कोई भी स्टूडेंट आ रहे हैं, उनके पास में इंटरनेट को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो मैं सबसे पहले उनको ये कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रोफेशनल क्लासरूम कोर्स को ज्वाइन करके वो किसी भी डिजिटल की बेसिक नॉलेज गेन करें। सेकंड, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए सबसे पहले वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को थोड़ा सा एनहेंस करें जी। और उसके बाद में कहीं इंटर्नशिप पर वर्कआउट करें। इंटर्नशिप बहुत ज्यादा एसेंशियल पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग में नॉलेज गेन करने का जी। तो इंटर्नशिप बहुत सिक्स मंथ का अगर नहीं, हाँ कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक अगर हम लोग वर्किंग एक्सपीरियंस इन लोगों को नहीं होगा, तब तक वो प्रैक्टिकली किसी भी प्लेटफॉर्म का वर्कआउट नहीं कर पाते जी। और प्रैक्टिकल गेन करने के लिए इंटर्नशिप या ऑन जॉब ट्रेनिंग सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल परमवीर जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं हमारे अगले दर्शक जो गया बिहार से हैं, राहुल। नमस्कार, स्वागत है आपका शो में, सवाल कीजिए। आप मैडम क्या करना चाहिए, BA सेकंड ईयर लास्ट ईयर है। BA लास्ट ईयर है जी। परमवीर जी क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, वैसे हमारा मुद्दा है डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स, तो यहाँ क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है आपके लिए, ये जरूर बताएंगे परमवीर जी। हाँ देखिए, अगर आप BA फाइनल ईयर में हैं और अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग में नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड में एक सोशल मीडिया मार्केटिंग और एक कंटेंट राइटिंग, दो फील्ड इस तरीके के ओपन है। सेकंड, थर्ड पार्टी जो मैनेजमेंट होता है, लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट में eBay, Amazon एंड Flipkart के ऊपर भी कई कंपनीज बिजनेस कर रही है जी, उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को मैनेजमेंट करने के लिए, उनका प्रोडक्ट अपलोडिंग करने के लिए, उनके डिटेल्स के लिए हम लोग एंट्री कर सकते हैं जी। तो अगर आपने BA किया हुआ है तो सबसे पहले रिक्वायर्ड है आप कोई भी बेसिक नॉलेज जो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, पहले वो ज्वाइन करें जी। वहां से आप 2 से 3 महीने 4 महीने के डिफरेंट कोर्सेज से आप बेसिक जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं जी। उसके बाद में आप किसी भी कंपनी में एज एन इंटर्न वर्क करें, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को एनहेंस करें, और रेगुलरली टेक्निकल स्किल्स को एनहेंस करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, तो हार्डली 9 to 1 year के अंदर आप डिजिटल मार्केटिंग में फुल फ्लेज्ड करियर देख सकते हैं जी। परमवीर जी आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ है फोन लाइन पे हमारे अगले दर्शक। नमस्कार महेश, स्वागत है शो में, सवाल कीजिए। आगे बढ़ सकते पहले आप अपनी बैकग्राउंड को बता दीजिए।
ताकि आपके कंप्लीट है जी। परमवीर जी, राहुल के लिए क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज बनती है ई कॉमर्स? हाँ जी, लाइक ई कॉमर्स में ज्यादातर केसेस में अगर आप क्या जॉब देखना चाह रहे हैं या स्टार्टअप की बात करना चाह रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगा राहुल। डिजिटल इंडिया, आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं? राहुल, मैं आपसे, हाँ, स्टार्टअप या फिर जॉब, मतलब आप अपना खुद का बिजनेस देखना चाहते हैं या फिर कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं? नौकरी जी, परमवीर जी जॉब। हाँ, मैं यही बात बोल रहा हूँ क्योंकि अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है जी, जैसे आपने BCA या BTech या MBA या इस तरीके से मैनेजमेंट कोर्सेज नहीं किए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको कहीं भी बेसिक नॉलेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लेनी, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी जी। उसके बिना आप डिजिटल फील्ड में या ई कॉमर्स में फील्ड में एंट्री नहीं कर पाएंगे जी। जी, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन परमवीर जी जो लगता है लोगों को हो रही होगी कि कॉमर्स, कि अगर वो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो क्या वो एलिजिबल हैं ई कॉमर्स के लिए या फिर सिर्फ कॉमर्स वर्ड कॉमन है, दोनों फील्ड डिफरेंट है? यह बिल्कुल डिफरेंट है, कॉमर्स फील्ड का ई कॉमर्स से कोई भी लेना देना नहीं है जी। ये सवाल लोगों के जहन में है कि अगर वो कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो क्या आगे चल के, इसीलिए जरूरी है कि ई कॉमर्स है क्या और कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है इसकी। अगर परमवीर जी मैं कहूँ कि आज से 5 या 10 साल पीछे जाएं, जब इंटरनेट की दुनिया नहीं थी और फिर धीरे धीरे इंटरनेट पर लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ी, कैसे ग्रेजुअली विकास हो गया, ई कॉमर्स हमारे लाइफ में आया कैसे जी? हाँ बिल्कुल, लाइक अगर हम लोग देखें, जब जैसे जैसे इंटरनेट का पेनिट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हुआ जी, लोगों को ऑनलाइन प्रोडक्ट का और कभी हम लोगों ने वेबसाइट्स के थ्रू प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना शुरू किया जी, तो उस केस में कुछ कंपनीज ने इस चीज में एक अपॉर्चुनिटी देखी और कि प्रोडक्ट को विदाउट मार्केट में गए हुए, विदाउट फील किए हुए, वो ऑनलाइन उनको एक्सपीरियंस करके घर बैठे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं जी। तो धीरे धीरे ई कॉमर्स की एंट्री स्टार्ट हुई जी। जैसे ही बहुत सारे पेमेंट गेटवेज एंड ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज इंक्रीज हुई, बैंकिंग सिस्टम और स्ट्रांग हुआ, इंटरनेट और स्पीड लेने लगा जी, तो कई कंपनीज में इसमें स्टार्टअप में आना शुरू हो गया जी। अभी अगर हम लोग पूरे इंडिया लेवल पर देखें तो बहुत सारी ई कॉमर्स की छोटी छोटी कंपनीज भी स्टार्टअप की तरह बूमअप कर रही है जी। वो अपने इवन द हैंडीक्राफ्ट जैसे छोटे आइटम में भी, वो भी ई कॉमर्स के बारे में आपसे जानने की, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, हमें जानना बनता है। अभी हमारे साथ है कॉलर, फोन लाइन पे काफी देर से वेट कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, अपना नाम बताइए, सवाल कीजिए। नमस्कार जी, सुनील कुमार जी, प्रश्न कीजिए आपका। हाँ जी, बीटेक किया है मैंने टीएल ब्रांच से जी, बीटेक टीएल ब्रांच से किया है। हाँ, तो आप जानना क्या चाहते हैं परमवीर जी से? अपनी नौकरी के बारे में, कौन से साइड में जाऊं मैं अभी जी? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो परमवीर जी आज आपको गाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी सही लगती है तो ध्यान से सुनिएगा, वैसे हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, बताइए जी परमवीर जी। अगेन मेरा आंसर सेम है, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो डायरेक्टली अगर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में आप एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन करनी ही पड़ेगी। डायरेक्टली किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में आपके लिए ओपनिंग नहीं होगी जी, तो ये लेकिन प्रोसेस को फॉलो करेंगे 3 to 4 months अगर जी, ये बिल्कुल प्रोसेस का फॉलो करना पड़ेगा। आपको 4 to 6 months एटलीस्ट अपनी स्किल्स को एनहेंसमेंट करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप विधिवत किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर यूट्यूब या ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वीडियो मार्केटिंग के थ्रू भी, वीडियो कोर्सेज के थ्रू भी अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। यस जी, करियर मंत्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। परमवीर जी हमारे साथ है, हमारे अगले कॉलर धनंजय। नमस्कार, सवाल कीजिए धनंजय। मैं बारहवीं में हूँ। तो क्या आपको लगता है डिजिटल मार्केटिंग और इस फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं? वैसे परमवीर जी क्या गाइडलाइन है इनके लिए? देखिए, मैं इसमें आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप अभी 12th क्लास में हैं तो एक रेगुलर अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स ज्वाइन करें, साथ साथ में अगर जो भी आपकी स्किल सेट है, जैसे अगर आप कंटेंट राइटिंग में अच्छे हैं, अगर आपको लगता है आप राइटिंग स्किल्स अच्छी कर सकते हो तो आप उसको एनहेंस करें, तो कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग, कंटेंट मार्केटिंग जैसे फील्ड आपके लिए ओपन है। अगर आपको लगता है आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर,
और अदर सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं तो आप उनकी स्किल्स को एनहांस करें, तो सोशल मीडिया मार्केटर के रूप में आप अपना फ्यूचर करियर देख सकते हैं। यदि आप टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं आफ्टर 12th क्लास, तो आपके पास में टेक्निकल या डेटा एनालिस्ट जैसे फील्ड ओपन हो जाएंगे। अगर आप आपको लगता है कि आप कुछ का खुद का कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, ई कॉमर्स में एंटर करना चाहते हैं, तो आपको थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स लाइक ई बे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इस तरीके की वेबसाइट्स की मैकेनिज्म को समझना होगा। और बहुत सारी ऐसी कंपनी जो कि प्लेटफॉर्म पर काम करती हैं, वहां पर आपके लिए जॉब ओपनिंग्स ओपन शुरू हो जाएंगे। जी, तो अब जाते जाते समय की बात, अगर मैं जी कंटिन्यू कीजिए परमवीर जी, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास। अगर मैं इसको मैं अगर आप हाँ मैं अपने कॉलर्स को अगर फ्री मतलब सिंपली अगर ब्रीफ में अगर बात करूं जी, तो आपको कुछ स्किल सेट है जिसको एनहांस करने की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, इसके लिए कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड की डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप BCA से हैं या BBA से हैं या सिंपल प्लेन BA ग्रेजुएट हैं या BCOM आपने किया हुआ है, तो कुछ स्किल सेट हैं, जैसे अगर आपने अभी मैंने बोला आपके अगर आप कंटेंट के बारे में अच्छा लिख सकते हैं तो आपके पास कंटेंट मार्केटिंग का फील्ड आएगा। अगर आप अच्छे क्रिएटिव हैं तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो प्रोडक्शन एंड कंटेंट मार्केटिंग एंड विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट, उस पर काम कर सकते हैं। यदि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट मेंटेनेंस जैसे फील्ड आपके लिए ओपन हो जाते हैं। अगर आप मैनेजमेंट फील्ड से हैं तो उस केस में डिजिटल मार्केटिंग डिजाइन माफी चाहूंगी, समय की बाध्यता है। थैंक यू सो मच फॉर दोज डिटेल्स। दर्शकों से भी अनुरोध है कि हम ऐसे इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शंस आपके सामने लाते रहेंगे। अगले शनिवार को भी आप कॉल कर सकते हैं, आपको गाइडलाइन जरूर मिलेगी।